दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द नवजीवन और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अयोध्या। मेरे पीछे आप देखते हैं श्री राम हॉस्पिटल है, तो हम यहाँ खड़े हैं और जनता पीछे चाय की दुकान है। राजनीति अब के टाइम अब में जो होती है सबसे बड़ी चाय की दुकान पर होती है। तो फिलहाल यहाँ लोग काफी सारे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जनता भी आ चुकी, जुड़ जाएगी थोड़ी थोड़ी करके कि किसकी सरकार बनवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? उत्कर्ष पांडे। पांडे जी, कहाँ जा रहा है? वैसे पांडे जी नहीं पूछता हम, युवा पूछेंगे। युवा कहाँ जा रहा है? युवा तो देखिए जाएगा शिक्षा की तरफ, रोजगार की तरफ। रोजगार की इस सरकार ने रोजगार के लिए बिल्कुल नहीं सोचा, शिक्षा के लिए बिल्कुल नहीं सोचा। शिक्षा जो कि देश के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है, शिक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कभी जोर नहीं दिया। केवल ये राम के नाम को बेच करके राजनीति कर रही है, और वो भी इस राम के नाम पर इन्होंने केवल जमीन में घोटाला किया है, चंदा चोरी किया है और कुछ नहीं किया। शिक्षा के जो शिक्षा देने का वादा करेगा बढ़िया, जो भी शिक्षा पर बढ़िया काम करेगा, पढ़ाई पर बढ़िया काम करेगा, रोजगार बढ़िया काम करेगा, युवा समाज उसी की तरफ जाने वाला है। जी जी, भगवान राम की धरती है जी जी। लेकिन राम के नाम पे आप कह रहे हैं, राम के नाम पे घोटाला हुआ, राम के नाम पे नहीं, शिक्षा के नाम पे वोट डलेगा जी। बिल्कुल, शिक्षा रोजगार के नाम पे, व्यवसाय के नाम पे रोजगार डलेगा। केवल भारतीय जनता पार्टी राम के मुद्दे पर बात करती है, ये रोजगार के मुद्दे पर इसने कभी वोट नहीं मांगा। केवल राम के नाम पर देश की जनता को गुमराह करने का कार्य करती है, बस और कुछ नहीं। चलिए थोड़ा लोगों से घूमकर बाहर आ जाएंगे तो थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या नाम आपका? चंदन यादव। अच्छा, आप तो समाजवादी के रंग में रंगे हुए पूरे या शर्ट? देखिए, किसी पार्टी का कोई रंग नहीं होता है। अच्छा। अगर अपना रंग खुद अपना लेगा जो, इसका मतलब ये नहीं भगवा क्या कहते हैं भाजपा का हो गया। आजकल तो रंग पे अधिकार जमा रहे हैं सब। ये राजनीतिक पार्टियां हैं, यहाँ रंगों में भेद कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम में भेद कर देते हैं, एक देश में लोगों को लड़ा देते हैं, यही तो इनकी राजनीति है। यहाँ काम पर बात नहीं करते, शिक्षा पे बात नहीं करते, यहाँ रोजगार पर बात नहीं करते, यहाँ स्टूडेंटों को पीटा जाता है, यहाँ किसानों को पीटा जाता है, यहाँ गरीबों को मारा जाता है, गरीबों को दबाया जाता है। यहाँ युवा अगर जो सवाल पूछता है तो विपक्षी हो जाता है, अगर युवा सवाल पूछता है तो हिंदू विरोधी हो जाता है। तो ये राजनीति मुझे नहीं करनी है, हमें काम की राजनीति करनी है। और जो काम की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो गरीबों के हित की बात करेगा, जो नौजवानों के हित की बात करेगा, मैं उसको समर्थन करूँगा, उसका समर्थन करूँगा, उसको वोट करूँगा। और किसी रंग को देखकर किसी पार्टी के लोगों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। किसी की वेशभूषा को देख करके उसे हिंदू या मुसलमान नहीं बताया जा सकता है। हम भारतवासी हैं, भारतीय हैं और भारत के लोग हैं, हमें भारतीय बनकर रहना पड़ता है। सही कह रहे हैं, एग्री है। क्या हो रहा है कल? वर्क इज वर्शिप। क्या बात कही है, वर्शिप इज ग्रेट। पूजा है सो मोदी एंड योगी इज फ्रंट। आप पिछले 70 ईयर्स में जितने भी कार्य हुए हैं, आप पूरा एक मिला लीजिए इन 5 वर्षों के तुलना में, क्या कोई ऐसा कार्य हुआ अब तक? कैसा कार्य हुआ है? नोटबंदी, 3 तलाक, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, पीओके पर चढ़ाई कर रहे हैं, इधर यूक्रेन वाला मामला ले लीजिए, रसिया इंडिया से सहायता मांग रहा है कि नाटो में मुझको समर्थन दीजिए। तो ये इंडिया की लायबिलिटी है कि ना कि मनमोहन सिंह ये अखिलेश। रशिया ने कहा बोला? रशिया ने तो मना कर दिया, हमें किसी की सहायता नहीं चाहिए। आज के पेपर पढ़िए, आज के पेपर की तो बता रहा हूँ, आज के पेपर मैंने तुम्हें कहा कि नाटो से जो भाजपा के पत्रकार हैं, जो क्या कहते हैं अपने लैब में बैठ करके भाजपा को जिता रहे हैं, वही लोग बता रहे हैं कि मोदी जी से समर्थन मांग रहे हैं। अरे नेपाल आग दिखाता है तब कहाँ चले जाते हैं? पाकिस्तान थर थर कांपने लगा, कहाँ कांपने लगा? छका लिया इनका, चाइना 300 एकड़ इनका कब्जा कर गई। सबसे पहली बात, अगर वो मदद मांगती है तो प्रधानमंत्री से या किसी नेता से उसको क्रेडिट नहीं जाता है। जब मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी भारत के सैनिकों ने करगिल जैसा महान युद्ध जीता था, तो वो भारत के सैनिकों के क्रेडिट ना कि किसी प्रधानमंत्री। एक युवा का सही सवाल है कि भाई जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे तब पाकिस्तान में असलियत में घुटने टेके थे, सरेंडर किया था और कारगिल जैसे युद्ध में, और उससे पहले पाकिस्तान की फोर्स से बांग्लादेश करवाया था किसने? ये तो इंदिरा गांधी ने कराया था, उसके बाद अटल बिहारी ने कराया, कांग्रेस का कौन सा नेता करवाया आप बताइए? नेता कुछ नहीं करवाता। मनमोहन सिंह की मौन, वो कुछ नहीं कर रहे थे। जो अगर आप राहुल गांधी द्वारा हो रहा था, जो कुछ हो रहा था, पूछिए आप इसकी जन्मतिथि पूछिए। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी है, मारने वाले शख्स का इंदिरा गांधी जी का नाम बताओ आप। इंदिरा गांधी का नाम बताओ, हम उस पे लेकिन हम उस चीज पे बहस नहीं कर रहे हैं। हम इंदिरा गांधी जी का नाम हमने दिल से तोड़ दिया, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी। अब बात करिए समाज की, माननीय हम मुलायम, फिर डिस्टर्ब ना करिए। ऐसे मत करिए, ये मैं बताइए, मैं लखनऊ से
हैं? अयोध्या से नहीं है? अयोध्या से नहीं, मैं लखनऊ से हूँ। यहाँ क्या कर रहे हैं? हैं? यहाँ पे चाय बेचते हैं हम। अच्छा, मोदी जी वाली चाय? मोदी वाली चाय खत्म हो गई अब। अब कौन सी चाय बिक रही है फिर? है अब ये समय यादव जी की चाय बिक रही है। अच्छा, योगी जी से नाराजगी है, मुद्दे की बात करेंगे। क्या बताए, क्या नाम आपका? मेरा नाम कुलदीप शर्मा है। अच्छा। मैं सिंगर हूँ, समाजवादी गायक हूँ। समाजवादी गायक है? जी, मैं समाजवादी पार्टी से हूँ। अच्छा। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल भी चल रहा है, समाजवादी कुलदीप शर्मा समाजवादी हिट्स। अच्छा। और लाखों फैंस भी है मेरे चैनल पे। अच्छा। और हजारों फॉलोअर भी है। अच्छा। और सबसे कौन सा गाना लिखा आपने? मेरे काफी गाने मार्केट में, अभी जल्द में एक गाना आया था। अच्छा। अरे समाजवादी गमछा, ओ समाजवादी गमछा, बांधला पगड़िया समाजवादी गमछा। और भी काफी गाने मेरे मार्केट में आए। सोशल मीडिया पे मदद कर रहे हैं? जी जी, मैं है उम्मीद आज, आज बिल्कुल, मैं सोशल मीडिया से लेकर एकदम लाइव भी मैं मदद कर रहा हूँ। मेरा लाइव हर जगह प्रोग्राम भी चल रहा है इस समय, समाजवादी का गला वाला बैठा हुआ है मेरा, लगातार मैं प्रोग्राम चल रहा हूँ। और भी कुछ लोग बात करेंगे। क्या नाम है आपका? देवशरण मिश्रा। देव शर्मा जी, कल अच्छा कल क्या वोटिंग है यहाँ पर, क्या होने जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है कि उत्तर प्रदेश में, और अयोध्या में 5 सीटें हैं जी। ठीक है, और हम लोग 5 सीटों पर बहुत अच्छी बढ़त के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। वो रीजन क्या है? सबसे पहले पूरे उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए भाई साहब, तो अगर कुछ भी ना हुआ हो तो जनता खुशहाल, कारण यह है कि दंगा मुक्त है पूरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, 5 साल में दंगा, और जो है अपराधियों पर पूरी तरीके से बेलगाम लगा है। सबसे प्रमुख कारण हम जो भाजपा के वोटर बने हैं यही है, और कोई नहीं। देखिए, सबका अपना मोहता तो है, और यही लोकतंत्र की पहचान। और अगर मान लीजिए सपा सरकार में कितने दंगे हुए, मुजफ्फरनगर में कितने लोग काटे गए। अच्छा, एक ये बात आप ठीक कह रहे हैं, हम मानते हैं दंगा इस सरकार में नहीं हुआ, जो ऑन रिकॉर्ड है, मतलब कह रहे हैं कि कोई दंगा नहीं हुआ, लेकिन एक समस्या है कि युवाओं में रोजगार नहीं है, वो नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं? देखिए, 4.5 लाख रोजगार जो है मिला है लोगों को, ऐसा नहीं है, 4.5 लाख रोजगार लोगों को मिला भी है। हाथरस की लड़की को पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है, बताइए किस, अगर ये हिंदूवादी सरकार होती तो किस हिंदू धर्म में लिखा होगा कि लड़की को पेट्रोल डाल के जलाया जाता है? लखीमपुर खीरी में 6 किसानों के ऊपर गोलियां, उनके ऊपर थार चढ़ा दिया गया तब, और आज अजय मिश्रा टीनी का लड़का बाहर है। अरे दंगा क्या होगा जब दंगाई स्वयं सत्ता में बैठे हुए हैं, तमाम हजारों निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या करवाएगी। एक खुशी दुबे, ये बहुत ही बड़ी जातिवादी सरकार है योगी सरकार, खुशी दुबे जिसका कोई अपराध नहीं, वो बेचारी साल भर से जेल में है, और धनंजय सिंह जो कि 25,000 का इनामी अपराधी है, खुलेआम क्रिकेट खेलता है जौनपुर में, उस पे क्या जवाब देंगे? नहीं गया। युवा हो आप भी? जी जी। क्या देख रहा है इस बार युवा, कल वोटिंग है, किसका किससे और जा रहा है युवा? परिवर्तन होगा, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या होगा? अरे देख, 4.5 लाख रोजगार दे दिया, गुंडागर्दी खत्म कर दी, और क्या चाहिए? फ्री राशन मिल रहा है, और कुछ भी देगा? संविदा की नौकरी देकर 4.5, और नरेगा वालों को काम देकर 4.5 लाख नौकरी दे दिए है, नरेगा को भी जोड़ रहे हैं उसी में 4.5 लाख में। जी जी जी, नरेगा को जोड़, हाँ, और सर प्राइवेट संविदा वालों को भी। अच्छा जी, आप बता रहे हैं 4.5 लाख नौकरी मिल गई है, अल्लाह ये माइक हमें दे दीजिए, एक नौकरी आप भी मांग लीजिएगा, आज से पत्रकारिता हम करेंगे, और योगी बाबा से आप नौकरी मांग लीजिए, रोजगार मांग लीजिए, और पत्रकारिता हम करेंगे, कैमरामैन मेरे भाई साहब हैं, पत्रकारिता हम करेंगे, और आप योगी बाबा से क्या नौकरी मांग लीजिए? ये कागजों पर क्यों नौकरियां मिल रही हैं? कागजों पर नौकरियां मिल रही हैं सारी। क्या नाम आपका? अमन कुमार। अमन कुमार, क्या जा रहा है युवा? जी अखिलेश यादव। क्या है अखिलेश यादव? क्योंकि देख, मेरी सीधी सी कहना है, ये राम मंदिर जो लोग कहते हैं ना बीजेपी वालों, राम मंदिर मुद्दा नहीं है, मुद्दा है रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य और शिक्षा। जो इस पर बात करेगा हम उसके साथ जाएंगे। अच्छा, सीधी सी बात है, बात नहीं करेगा जो बिल्कुल नहीं बात। भाई बात, आप तो बोले थे 72 लाख नौकरियां देंगे, कितनी को दिए? आधा अगर दिया तो बताइए हमें, कोई बीजेपी वाले हाथ जो गिना सकता है? आप बोल, अभी भाई साहब अभी आप बोले कि 4 लाख नौकरियां दी हैं, आपके पास लिस्ट है क्या? दिखाइएगा हमको, प्रूफ दे सकते हैं? सरकार तो कह रही है हम प्रूफ दे दें सरकार के आंकड़ों का, सरकार जो आंकड़ा देती है ना, तो उसी का प्रूफ कहाँ है? आप माइक दे दीजिए, आप माइक दे दीजिए, रोजगार योगी बाबा से मांग लीजिए। नहीं पता है, 46 और 86 में पता अंतर ही नहीं पता है, हमें उत्तरी पार में इनको अंतर, सारी सरकार, अरे फिसल सारी सरकार, इसे कुछ फिसल जाए तो कुछ भी बोलते हैं, जबान एक बार फिसलता बार बार नहीं फिसलता, सारी सरकारी संस्थाओं को बेच दिया, ये प्राइवेट, ये सरकारी जॉब क्या देंगे? हाँ, इन्होंने तेल बेचा, रेल बेचा, सेल बेचा, अभी बात कुछ ही दिन पहले की बात है, एनटीपीसी का रिजल्ट आया ना, क्या हुआ था उसमें आप लोगों को भी पता होगा, क्या हुई थी? वही है बीजेपी की सरकार, वही है रिजल्ट, तीन दिन दो देना, एक ही पद पर 3 दिन को बहाली देता, 3 दिन का रिजल्ट दे दो, बस हो गया, यही है।
एनटीपीसी का इसी युवा नाराज है रोजगार और नौकरी वही करके तो 4 लाख बना दिया ना। नाराज है युवा, नाराज है किसान, किसान नाराज है, छात्र नाराज है, शिक्षा कर्मचारी नाराज है, पूरा का पूरा देश नाराज है। पूरे और देश में और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर आप बताइए क्या नाम है जी? अरुणेश। अरुणेश जी, युवा तो कह रहे हैं भाई रोजगार, ब्लैक आ रहा है क्या, बाहर आ जाएंगे लाइट जी? सर क्या नाम है आपका जी? अरुणेश नाम है। अरुणेश जी, युवा तो कह रहे हैं भैया रोजगार नहीं है, नाराजगी है, हालांकि आप भी युवा ही हैं। जी जी, देखिए ऐसा ना, सभी युवाओं रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी लोग समझ लिए हैं और मास्टरी की नौकरी समझ लिए हैं। अभी इनसे वास्तव में क्या, सब चाहते हैं कि हमको आराम से एक नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, हमें कुछ करना ना पड़े, हैं बढ़िया, हम जो है हमें कोई निकाल ना पाए, कहीं कोई जवाबदेही ना बने। वास्तव में देखा जाए इस गवर्नमेंट में, देखिए कोई भी मतलब पूर्णता से कोई काम नहीं कर सकता। हाँ कुछ चीज़ें हैं जो इसमें सही नहीं, लेकिन यदि हम कंपेरिजन करेंगे अदर गवर्नमेंट से तो उसकी तुलना में काफ़ी चीज़ें सही है। देखिए जो बेसिक मुद्दा था उसको एकदम हटा दिया गया। पहले बिजली की स्थिति देख लीजिए कब कैसी रहती थी, यहीं से पूछे भाई साहब लोगों, सभी लोगों से लगभग 10-12 ज़्यादा लंबा नहीं, कैसी रहती थी? देखिए हम बता रहे हैं योगी बाबा कितने बिजली उद्योग का उद्घाटन कर दिए हैं, जो पिछले उस पे नहीं, हम सिर्फ घंटा बिजली दे रहे हैं, कैसे बिजली 24 घंटा दे रहे हैं, किस कारण से, खुद पैदा कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है पहले कितनी आती थी? पहले भी आ रही थी, अब भी आ रही है। पहले भी आ रही थी, पहले इतना घोटाला नहीं। सुनिए मैं बताऊँ, पहले जो है 24 घंटे में मात्र जो है 12-14 घंटे लाइट आती थी। दूसरी चीज, सड़कों की स्थिति इतनी खराब थी, देखिए सड़क, देखिए सड़क बनाना किसी नई योजना का काम नहीं होता है, सड़कें टूटती रहती है, गवर्नमेंट उसको सड़क नई बिजली उद्योग बनाए होता है, अगर नहीं बनाए बिजली उद्योग अगर जो नहीं नहीं बनाए। अच्छा ये इनका 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 ये है, मैं समझा इनकी इनका कहने का मकसद क्या है। ये कह रहा है अखिलेश यादव ने शुरुआत करी थी वो ही बने हुए थे, उसमें सुधार कर दिया, नया नहीं बनाया। अरे भाई 5 साल का मौका मिला था, आप उस 5 साल की गवर्नमेंट को तुलना इस 5 साल की गवर्नमेंट से कर लीजिए, कितनी सड़कें तब बनी थी, कितनी लाइट तब। सुनिए, योगी नहीं बना तो पहले समय कितना अंतर हुआ, पहले खजाना नहीं था, ये नहीं थे गुजरात से आए कोई हिंदुस्तान में लड़ने वाले, मंदिर मस्जिद या कोई मुद्दा उठाने वाले, योगी आए सब कुछ आए, समय की फेर होती है। अच्छे अच्छे नेता है, विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, आए लाल बहादुर शास्त्री सिंह, इनका कोई कदर नहीं। ये भला मोदी आए जो आज चीन को भगा दिया, कहां चीन भगा, बाबा कहां भगा दिया, कहां नहीं भगा दिया, अच्छा नहीं भगाया, नहीं सुनो, अरे बाबा एक मिनट रुक जाइए, सुनिए बाबा की बात तो सुनने दो, अरे अरे एक मिनट, जिस राम पैड़ी कहाँ नहीं खड़ा होता, अरे आपस में मत लड़िए भाई, एक मिनट, कैसे नहीं औका क्या जाती थी? देखो बाबा हम नहीं बोलेंगे, अकेले आदमी तो चलिए, एक मिनट, कभी 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेची गई ना, यही सबसे ध्यान का सबसे, अरे ऐसे नहीं, एक मिनट शांत शांत, एक मिनट बात ही बताइए, एक मिनट बताइए, एक नंबर सवाल पूछिए, हम लोग पैदा हुए थे तुम भी चलो, ये वही बात बता रहे हैं कि हिंदू खतरे में हो जाता, ये सुनिए पोलियो टीका पूछिएगा, 5 इनसे पूछिए 5 काम का, मैं पूछ लेता हूँ चाइना, एक मिनट एक मिनट, एक का शिलान्यास और 5 काम का शिलान्यास और उद्घाटन बता दे, बता दे, सुनो आज जो मोदी की बात कर रहे हो भाई, पहले मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनोगे ना, मेरी बात सुनोगे, तुम बात आज दो ही बताए, दो ही बताए, सुनो अरे यार तो पहले बात सुनो ना, सुनाओ इनसे सुनाइए, आज रूस में यूक्रेन में हो रहा युद्ध, रूस यूक्रेन पे नहीं जा रहे, हम वहां तक नहीं जा रहे, हम अपने देश की बात करेंगे, हम अपने देश की बात करेंगे, देश की बात, भाई इन्होंने क्या बोला, 5 काम योगी जी के बता दिए, मैं योगी जी राम पैड़ी पे 2017 के पहले आप जाइए आप, अरे यार शिलान्यास बात करते हो यार, में आता है तब नहीं मायने होता, बच्चा जब पैदा होता है उसका मायने होता है, तब से गिना जाता है कितने साल का बच्चा हुआ है, महीने मिली है आप बताइए जिसका सिना, सुनो भाई आएंगे गजब नतीजे इस बार देख लेना, 10 मार्च को साइकिल की रफ्तार देख लेना भाई, सुनो एक मिनट, मंगल भवन अमंगल हारी और राम की नगरी से साइकिल हारी, ये देख लेना।
ताला लग जाएगा 10 मार्च के बाद। एक मिनट रिक्वेस्ट है, एक मिनट साइलेंट। अच्छा ये बताइए,